माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यालय में संविधान दिवस जो कि हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो उस दिवस पर आपको स्पीच देनी है, तो आप किस तरह स्पीच देंगे? आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भैया बहनों, मेरे दोस्तों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पर इस दिवस पर, संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और आज के दिन हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस बेहद गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के चल ही नहीं सकता। संविधान में ही देश के सिद्धांत, उसके नियम, उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन देश की अंतरिम सभा ने संविधान को अपनाया था। साथियों, ये संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का, आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहां संविधान के दिन मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारे सभी हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य भी हमें हमारी जिम्मेदारियों का भान कराते हैं, उनकी याद दिलाते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि 26 नवंबर का दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब हमारे पास कोई अपना संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश चलाया नहीं जा सकता था, इसलिए इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि सभी सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता। साथियों, संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन, संविधान लागू किया गया। साल 2015 से भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए तब से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान है। इसके हिस्से में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनको देश में चलाने की क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में है। इस संविधान दिवस पर हम अपने जीवन भर अपने मौलिक कर्तव्यों और देश का कानून का पालन करने का प्रण लेते हैं। देश का अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने से न सिर्फ संविधान का मकसद पूरा होगा, बल्कि संविधान निर्माताओं के सपनों के राष्ट्र का निर्माण होगा। संविधान दिवस को आप सभी एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी ने हमारे विचारों को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।